ओके, गुड आफ्टरनून। तो आप सब लोगों ने अभी तक हमने जो भी चीज सीखा था एक बार क्विक रिवीजन एज यूजुअल हर क्लास में हम लोग ये करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिवाइज जो अब तक हमने किया था। तो हमने अभी तक जो सीखा है वो फटाफट में लिख रहा हूं। फर्स्ट हमने सीखा, आज मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा, कि नेशनल इनकम का मतलब हो गया NNPFC, डोमेस्टिक इनकम का मतलब हो गया NDP@FC। तीन कन्वर्जन रूल्स, क्या क्या तीन कन्वर्जन रूल्स? ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हटता है तो क्या बनता है? नेट। डोमेस्टिक के साथ में जब NFIA जुड़ता है तो क्या बनता है? नेशनल। एंड लास्टली फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। NFIA क्या हो गया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू इनकम टू अब्रॉड। NIT क्या हो गया? इट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो दिस वाज व्हाट वी डिस्कस्ड इन रिलेशन टू द बेसिक्स पार्ट। देन हमने नेशनल इनकम को निकालने के लिए दो मेथड्स डिस्कस करे थे। उनमें पहला मेथड था इनकम मेथड। सो इनकम मेथड में जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको जब अपन जोड़ते हैं, ठीक है, व्हेन वी ऐड द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड देन वी गेट NDP@FC। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स? तीन कंपोनेंट होते हैं। तो तीन कंपोनेंट हो गए आपके COE प्लस OS प्लस MI। COE मतलब हो गया कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, विच इज इक्वल टू वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स, यानी बॉस का कॉन्ट्रीब्यूशन, कहा टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ऑपरेटिंग सरप्लस इज रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम दैट वी ऑलरेडी नो। बट इस मेथड में निकलता NDP-FC है, बट अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भैया नेशनल इनकम बताओ, कोई दिक्कत नहीं, NNPFC इज NDP-FC कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक को नेशनल करना है तो क्या करेंगे हम? प्लस NFIA जोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? लास्ट क्लास हमने एक और मेथड सीखा था जिसका नाम था एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग आराम से समझेंगे, रिवाइज करेंगे मतलब। तो एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इस मेथड में हमारे जो चार सेक्टर्स होते हैं, व्हाट आर दोस फोर सेक्टर्स? हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। ये चारों सेक्टर्स जो खर्चे करते हैं उन गुड्स पे जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, देन उस खर्चे के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट GDP MP। एंड इट इज अ सम ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? इट इज अ सम ऑफ फोर थिंग्स। व्हाट आर दोस फोर थिंग्स? पहला हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका और एक नाम क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब हो गया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। एम क्या रिप्रेजेंट करता है? इंपोर्ट रिप्रेजेंट करता है। मैंने लास्ट क्लास एक और बात बोला था, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इट इज अ सम ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? एक हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो गया? हाउसहोल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट का फिक्स्ड कैपिटल खर्चा। क्या क्या हो गया उसके अंदर? उसके अंदर हो गया ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अनुपम डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या चीज डिस्कनेक्ट हो रहा है अनुपम? बाकी लोग अदर्स, इज द ऑडियो क्लियर? आर द ऑडियो एंड वीडियोस क्लियर टू एवरीवन? यस, बाकी लोग के क्लियर? अनुपम आप एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लो,
ओके इट्स क्लियर टू एवरीवन. अनुपम जस्ट चेक योर कनेक्शन वंस. ओके तो मैं ये बोल रहा था कि एक्सपेंडिचर मेथड में कंपोनेंट्स को जोड़ने से जीडीपी एमपी मिलता है. क्या मिलता है? जीडीपी एमपी. एंड इट इज अ सम ऑफ फोर थिंग्स. व्हाट आर दोस फोर थिंग्स? प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स. अभी जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, इट इज अ सम ऑफ टू थिंग्स. व्हाट आर दोस टू थिंग्स? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग स्टॉक. आर वी क्लियर विद ऑल दिस? देन हम लोग एक सम करते हैं. चलो अभी ठीक है एवरीवन, अभी आपके स्क्रीन पे एक सम आएगा, आप काइंडली उसे नोट कर लें. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं. एक सेकेंड. ओके चलो नोट कर लो इसे. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नोट करते चलो आप लोग. सब लोग 20,000, 2,00,000. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3,50,000, सॉरी 2,50,000. ठीक है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1,40,000. क्लोजिंग स्टॉक $50,000, opening stock $70,000, exports $30,000, imports $40,000, consumption of fixed capital 65,000, indirect tax, subsidies, indirect tax 30,000, subsidies 25,000, factor income to abroad 8,000. चलो सब लोग इसे नोट कर लो. एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन. कैलकुलेट नेशनल इनकम. जब नोट हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना मैसेज कि सर नोट हो गया. ठीक है चलो फास्ट 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 जल्दी जल्दी जितना जल्दी नोट करोगे उतनी जल्दी हम लोग सॉल्यूशन पे जाएंगे. एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन. देन अंजलि का हो गया और ये किसका है नोटेड. अनुपम का भी हो गया, सबका हो गया. चलो ग्रेट नोट हो गया. देन अभी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे. ओके कोई हड़बड़ी नहीं करेगा, हम लोग आराम आराम से जाएंगे. ठीक है सो वी आर गोना सॉल्व इट टुगेदर. चलो ठीक है तो सबके क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. ठीक है तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व एंड वील डू इट टुगेदर. ठीक है हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे. चलो ठीक है चलो सॉल्व करते हैं एवरीवन. देखना इधर हमें पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी. एंड वी नो दैट इट इज अ सम ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? इट इज अ सम ऑफ फोर थिंग्स. व्हाट आर दोस फोर थिंग्स? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड लास्टली नेट एक्सपोर्ट्स। तो चलो प्राइवेट फाइनल कितना था, प्राइवेट फाइनल था हम लोग का 2 लाख, गवर्नमेंट फाइनल कितना था 2,50,000। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज अ सम ऑफ टू थिंग्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओके ओके, इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन में देखना ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स दिया हुआ, तो हाँ दिया हुआ है ना सर, कितना दिया हुआ है 1,40,000, ओके 1,40,000 दिया हुआ है, तो फिर प्लस इसके साथ क्या प्लस होगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एंड वी नो व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग स्टॉक। तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है 70,000, ओके हो गया सर, हाँ हो गया ना, क्या दिक्कत है, हमें चाहिए था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, सिंपल वे में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो दिया हुआ था, और चेंज इन स्टॉक के लिए भी क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ भी था, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ था, तो वो हमने निकाल लिया। एंड लास्टली हमें क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट्स कितना है, देखो एक्सपोर्ट्स है हम लोग का 30,000 और इंपोर्ट्स कितना है 40,000। इज दिस ओके, सो 2,50,000, 1,40,000, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 20,000, ठीक है, ये हो जाएगा अपना कितना माइनस 20,000, और ये कितना होगा माइनस 10,000, तो कितना हो गया 4,50,5,90,-30, तो यानी कितना हो गया 5,60,000। इज दिस ओके, जीडीपी एमपी हाउ मच 5,60,000, किसी को भी कुछ भी डाउट है बोलो चैट बॉक्स में, यहां तक जो हमने सॉल्व किया इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे चैट बॉक्स में प्लीज लिखो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। बट व्हाट डिड द क्वेश्चन आस्क, द क्वेश्चन आस्क्ड अस कि व्हाट इज द नेशनल इनकम, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेशनल इनकम, तो वी नो दैट नेशनल इनकम इज व्हाट, एनएनपीएफसी, सो नाउ एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी को हम कन्वर्ट करेंगे एनएनपीएफसी में, या आई एम कमिंग टू दैट अंजलि, जीडीपी एमपी को हम कन्वर्ट करेंगे एनएनपीएफसी में, तो ग्रॉस को हमें नेट करना है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल करना है क्या करेंगे प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को हमें फैक्टर कॉस्ट करना है माइनस एनआईटी, इक्वल टू कितना होगा बोलो 5,60,000 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का और एक नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन का और एक नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सो बेसिकली क्वेश्चन में अगर कभी भी आए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब हो गया डेप्रिसिएशन। सो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलो कितना है 65,000 प्लस एनएफआईए, हमें पता है कि एनएफआईए का मतलब क्या हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 8,000, फ्रॉम अब्रॉड तो दिया नहीं है, नहीं दिया तो जीरो मानो, एनीथिंग विच इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन विल अज्यूम इट टू बी जीरो। सो यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमने क्या माना, जीरो मान लिया, तो जीरो माइनस 8,000, ठीक है, जीरो माइनस क्या 8,000, फिर माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी, एनआईटी का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, देखो तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 30,000 और सब्सिडी कितना है
25,000 तो कितना होगा बोलो, 5,60,000 -65,000 -8,000 -5,000 तो बोलो अल्टीमेटली आंसर कितना है। फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड माइनस 65,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 इज 4,82,000। चलो नोट कर लो सब लोग, कोई भी डाउट है तो प्लीज अपने चैट बॉक्स में लिखो। हो गया सबका क्लियर है तू पक्का, कोई डाउट नहीं है, इजी था ठीक है। So, देखो हमने अभी तक दो मेथड्स कर लिए, एक हमने कर लिया इनकम मेथड, एक हमने कर लिया एक्सपेंडिचर मेथड। ओके ग्रेट, सबका हो गया, वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल आई थिंक राइट नाउ। अब हमें नेशनल इनकम निकालना आ गया बाय कितने मेथड्स, दो मेथड हमें क्लियरली आ गया, हमें एक्सपेंडिचर मेथड भी आ गया और हमें कौन सा मेथड आ गया, इनकम मेथड भी आ गया ठीक है। इजी इजी ओके, इजी नहीं है मतलब योर टीचर्स व्हेन यू गो टू स्कूल दे विल कंफ्यूज यू अ बिट, बट उनका बात मत सुनना, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट विद एनी हार्ड रिगार्ड्स, बट पीपल कंफ्यूज जनरली, नेशनल इनकम बोलता है बहुत टफ है, बहुत टफ है, आपके सीनियर से भी पूछना, सब कहते हैं कि नेशनल इनकम टफ है, इट्स नॉट टफ, द वे वी आर डूइंग इट, इट्स वेरी इजी ठीक है। तो चलो आई गिव यू वन मोर सम टू डू एंड आप लोग को इस बार खुद करना है ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं ठीक है। चलो चैलेंज है, करके दिखाओ सही ठीक है। तो आई एम शेयरिंग यू द क्वेश्चन ओके, पहले मैं क्वेश्चन बना लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड, मेरे को एक मिनट देना खाली। चलो ठीक है, क्वेश्चन बन गया, नोट करो। चलो सब लोग क्वेश्चन नोट करो एवरीवन, फिर सॉल्व भी करो एंड देन मेरे को आंसर भी बताओ, देखता है सबसे पहले कौन करता है, लेट्स सी। हाँ बस एक वार्निंग हम दे देता है कि क्वेश्चन दिखने में जितना इजी है उतना इजी नहीं है, तो थोड़ा कॉशियसली करेंगे हम लोग सब ठीक है, आराम आराम से करना, नो हड़बड़ी ठीक है। चलो 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 लेट्स डू इट एवरीवन, देव का आंसर राइट आना चाहिए, इजी लगा ना आपको, चलो देखते हैं।
रितिका आप थोड़ा लेट ज्वाइन करी थी, तो मैं आपको क्लास के बाद आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको आज का क्लास का स्टार्टिंग से लिंक भेज दूंगा। ठीक है, चलो गाइस, हो गया, बहुत टाइम लग गया। आंसर कोई तो दो, देव, हर्ष, अंजलि, रितिका, सुमन, मयंक, इतना टाइम थोड़ी लगता है, इजी था टॉपिक तो। अनुपम का आंसर आया है अभी तक, बाकी लोग का भी आने दो। सर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकाले? आप दिमाग लगाओ थोड़ा, मैं बताऊंगा, बट फॉर नाउ यू ट्राई, प्लीज ट्राई करो, आई एम देयर फॉर यू, बस एक बार ट्राई करो आप लोग। चलो आई विल टेल, मैं बताऊंगा। सुमन का आया 1,05,000। ओके, चलो 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 चलो, बाकी लोग, एवरीबडी, बाकियों का क्या हुआ? देव, कहाँ अटके हो भाई? हर्ष का आया 2,30,000। ओके, बाकी लोग नहीं हुआ? ठीक है, चलो अब अपन सॉल्व करेंगे इसको साथ में। अरे सॉल्व, नयन का भी हो गया, व्हाट अबाउट अदर्स? कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, वी आर स्टार्टिंग ऑफ। ओके, चलो देखना, इधर हमें पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या मिलता है, जीडीपीएमपी, विच इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कितना है? 40,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल 35,000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट्स। तो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें मैंने क्या किया था, थोड़ा आपका कंसेप्चुअल टेस्टिंग करने के लिए दो जगह पे मैंने माइंस बिछाए थे, ताकि आप लोग उस चीज को ना देखो और गलती हो जाए। तो हमें पता है, मैं इन दोनों को पहले क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। वी नो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल
फॉर्मेशन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है. नाउ कैन यू गाइस टेल मी दैट व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? ओके, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? दिया हुआ है ना? नहीं दिया हुआ है ना सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड ना देके नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड दिया हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें पता है नेट को ग्रॉस कैसे किया जाता है, डेप्रिसिएशन जोड़ के. ठीक है. सो आपको नेट डोमेस्टिक कितना दिया हुआ है? 65,000. ओके, प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 5,000. लो, बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक. समझ में आया? यानी कि ये हमारा कैसे निकला? मेरा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन. आई होप दिस इज क्लियर. नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन. तो मैंने नेट को डेप्रिसिएशन जोड़ के क्या बना दिया? ग्रॉस. क्या बना दिया? ग्रॉस प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. दिस इज व्हाट? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. सर एक और प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन में तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक अलग से नहीं दिया हुआ है. अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन में कुछ तो दिया होगा. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 25,000. इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 25,000 रुपए ज्यादा है. क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 25,000 रुपए ज्यादा है. सो दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना होगा? 25,000. लैंग्वेज में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप लोग? अगर क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 25,000, इट मींस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज 25,000. इट वाज जस्ट टू कंफ्यूज यू. तो चलो देखो, 70,000 प्लस 25, इट इज हाउ मच? 95,000. इट इज हाउ मच? 95,000. तो अगर ये 95,000 है तो सर हम यहां लिख देते हैं ना 95. हाँ लिखो, बिल्कुल लिखो. इज दिस ओके? सर अब एक और प्रॉब्लम है, हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स. क्वेश्चन में दे दिया नेट इंपोर्ट्स. कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है? देखो इधर ध्यान से, नेट इंपोर्ट्स कितना है? नेट इंपोर्ट्स है सर आपका 40,000. तो नेट इंपोर्ट्स अगर 40,000 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 40,000. हाँ या ना? आप दोनों तरफ माइनस वन मल्टीप्लाई करो. दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करो? माइनस वन. तो क्या बन जाएगा? माइनस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू माइनस 40,000. हाँ या ना? यस और नो? सो एक्चुअली में क्या हो गया ये? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू माइनस 40,000. तो ये कितना होगा? माइनस 40,000. तो बताना जीडीपी एमपी कितना हो गया? 40 + 35 + 35,000 + 95,000 - 40,000. ये हो गया 130,000. आई होप दिस इज क्लियर. फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो, इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? खाली दो ट्विस्ट था. पहला ट्विस्ट था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो फिर भी इजी था. क्यों? क्योंकि हमें पता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. अब ये ग्रॉस है ना, क्वेश्चन में तो नेट दिया था. कोई बात नहीं ना सर, नेट दिया है तो डेप्रिसिएशन जोड़ के हमने क्या बना दिया?
ग्रॉस बना दिया, क्या बना दिया? ग्रॉस. एंड लास्टली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन. सो दिस इज डन एवरीवन, इज इट डन? तो अब हमारा जीडीपी एमपी निकल चुका है. ओके, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें खाली एक ही चीज निकालना है, वो है एनएनपीएफसी. ठीक है, क्या निकालना है? एनएनपीएफसी फटाफट निकाल लेते हैं. इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिशिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी. क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? हमारा कितना निकला जीडीपी एमपी? 130 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है बोलो? 5000. सर एक और प्रॉब्लम है ना, ये एनएफआईए का प्रॉब्लम. हाँ है. क्या दिया हुआ है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 10,000. ध्यान रखना, नेट फैक्टर इनकम हमें क्या चाहिए? फ्रॉम अब्रॉड. सो इट विल बी माइनस 10,000. आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट क्लास. माइनस 10,000 माइनस एनआईटी कितना है सर? 30,000 माइनस 25,000. तो अल्टीमेटली आंसर कितना होगा? 1,10,000. या The class is going to end. We'll discuss this question tomorrow once again. ठीक है? Okay. Note कर लो आप लोग सर. Okay. That's it for today. और ये NFI वाला logic कल एक बार discuss कर लेंगे. Okay. Thank you so much everyone. That's it for today.